हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट पहल अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम जिसके ऊपर पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, बताया है कि इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है और अभी भी उन लेवल्स के ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक रजिस्टेंस जोन है जिसको ये क्रॉस करेगा तभी कुछ मोमेंटम बन सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी नज़र में ये लेवल्स होने चाहिए, लाइन्स ड्रॉ होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट देखिए, यहाँ पर जो RSI है वो काफ़ी वीक है, 27.88 की है, यानी चार्ट स्ट्रक्चर कमज़ोर है। आप देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो आपको दिखाई देगा कि दो हिस्सों में ये स्टॉक जो है बटा हुआ है। अब तक का जो चार्ट है इस टाइप से बटा हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टॉक इस लाइन से ऊपर था और यहाँ पर जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक किया तो स्टॉक जो है इस लाइन के नीचे जाता हुआ नजर आया। आप देखिए पूरा का पूरा चार्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए इस लाइन का अच्छा सपोर्ट था और जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक किया तो ये लाइन जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगी है और यहाँ पर स्टॉक जो है इन लाइन्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। काफ़ी बार इसके आसपास आया है बट इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। आप देखिए नीचे के लेवल, यहाँ पर इसने टच किए, अगेन स्टॉक ऊपर जाता है, फिर से नीचे आया और फिर से ट्राई किया है बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं ताकि आपको और ईजिली समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए जो स्टॉक था डेली चार्ट पे यहाँ तक इसका एक सपोर्ट जोन बना हुआ था इस लाइन के ऊपर, तब तक था ये डाउन ट्रेंड में ही बट एक सपोर्ट इस लाइन के ऊपर ले रहा था और उसके बाद देखिए जैसे इसने इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया तो स्टॉक जो है ऊपर आने के लिए अब काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए काफ़ी बार इस लाइन के आसपास स्टॉक आया है, नीचे से रिकवर हुआ है। अब देखिए स्टॉक यहाँ से नीचे तक जाता है, उसके बाद रिकवर करता है बट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए अगेन स्टॉक जो है नीचे तक जाता है और इस लाइन के आसपास फिर से आता, देखिए यहाँ पर, और इस लाइन को फिर से ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन स्टॉक नीचे जाता है, फिर ऊपर आ रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी बार आप देखेंगे कि 3-4 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक नीचे के लेवल से रिकवर होता है और इस लाइन के आसपास आता है बट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आपको कोई भी पोजिशन इसके अंदर जब बनानी है तो इस लाइन को जब ब्रेक करे और उसके ऊपर की तरफ निकले तभी आपको इसके अंदर कोई भी पोजिशन बनानी है। ये सिंपल, आपको ये लाइन लगा के रखनी है और इसके लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही आपको इसके अंदर कोई पोजिशन बनानी है, अदरवाइज स्टॉक जो है फिर से इस लेवल तक आता हुआ नजर आएगा जो कि बनते हैं लगभग 518-520 के आसपास के लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर 518-520 के जो लेवल्स है वो ये स्टॉक फिर से दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो स्टॉक ने 510 के लेवल दिखाए थे और यहाँ पर देखिए 521 के, तो 518-520 के लेवल फिर से दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। ये एक अच्छा बेस बना है, दो बार इसने यहाँ से बाउंस किया है और बट ये रेजिस्टेंस जोन इसका बना हुआ है। अब ये जो स्टॉक है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की भी फॉर्म लेता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक बेस बना हुआ है और यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अगेन इसी बेस के ऊपर वापस आया, अगेन इसी लेवल तक गया है और अगेन इसी लेवल तक फिर से वापस आएगा अगर ये रेजिस्टेंस जोन ये ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ये रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से स्टॉक पकड़ सकता है और आपके जो लेवल बनेंगे लगभग इस लाइन तक स्टॉक जो है पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है, 710 के आसपास तक। अगर स्टॉक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता, स्ट्रगल करता हुआ फिर से नीचे जाता है तो जो नीचे के लेवल बनेंगे वो 508-510 के आसपास के, 520 के, 510 से लेकर 520 के आसपास के बन सकते हैं। बट अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है, अगर आप एग्जैक्टली देखें एक बेस है और एक ऊपर से आप देखें इस टाइम का डिसेंडिंग लाइन है, अगर इस लाइन को ये ब्रेक कर देता है तो स्टॉक जो है 450-440 के लेवल तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल आपको इस लाइन के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बिल्कुल आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा, क्योंकि अगर इस लाइन के नीचे स्टॉक जाता है तो काफ़ी नीचे जा सकता है बट अगर इस लाइन के ऊपर की तरफ निकलता है तो 584 के आसपास स्टॉक है, ये लगभग 710-720 के जोन तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में कि स्टॉक किस टाइप का ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है। तो बिल्कुल आप इन लेवल्स के ऊपर नज़र रखिए। वन डे के चार्ट के ऊपर देखिए 47-48 के आसपास का RSI है, स्ट्रेंथ इस टाइम क्योंकि नीचे से रिकवर हुआ है इस टाइम आपको दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल आप इन लाइन्स को और इन लेवल्स को नज़र में रखिए तभी आप इसके अंदर पैसा कमा पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।